दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और मम्मी पार्ट वन नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रॉड, गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा इजिप्ट घूमने जाने वाले थे, इसलिए बाबा अपने दोस्त यानी कि ड्रैगन को बुलाते हैं। रॉड, गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा ड्रैगन पे बैठ के इजिप्ट चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो लोग इजिप्ट के एक सुनसान गाँव में पहुँच जाते हैं। उन लोगों ने देखा कि उस गाँव में एक भी आदमी नहीं था। रॉड, गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा एक घर के अंदर जाके सो जाते हैं। रॉड, गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा ने इस गांव में आके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इस गांव में मम्मी रहती है और मम्मी ने इस गांव के सारे लोगों को मार दिया था। तभी शॉन को कुछ हलचल महसूस होती है। बाहर जाते ही शॉन को पुरानी हवेली में कुछ दिखता है। शॉन उस पुरानी हवेली में चला जाता है। उस पुरानी हवेली में बहुत सारी मम्मी थी। मम्मी शॉन को हर तरफ से घेर लेती है। अब आगे की स्टोरी। शॉन बहुत ही ज्यादा डर चुका था। शॉन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मम्मी शॉन के सामने आ जाती है। मम्मी शॉन को मार के बेहोश कर देती है। मम्मी अपने ड्रैगन को बुलाती है। थोड़ी देर में वहां पर मम्मी का ड्रैगन आ जाता है। मम्मी शॉन को लेके उस ड्रैगन पे बैठ जाती है। ड्रैगन उड़ने लगता है। थोड़ी देर में वो लोग पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। पिरामिड का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मम्मी शॉन को लेके पिरामिड के अंदर जाने लगती है और यहाँ रॉड, गुल्ली बुल्ली और बाबा सो रहे थे। तभी बुल्ली की आंखें खुलती है। बुल्ली ने देखा कि शॉन वहाँ पर नहीं था। बुल्ली बाहर जाके शॉन को ढूंढता है, लेकिन शॉन बाहर नहीं था। बुल्ली गुल्ली रॉड और बाबा को उठाता है। बुल्ली ने कहा कि शॉन यहाँ पर नहीं है, मैंने बाहर जाके भी देखा लेकिन शॉन बाहर भी नहीं है। बाबा ने कहा, फिकर मत करो बुल्ली, शॉन यही कहीं होगा, चलो चल के ढूंढते हैं। रॉड, गुल्ली बुल्ली और बाबा शॉन को ढूंढते हैं। गुल्ली उस पुरानी हवेली की तरफ चला जाता है। तभी गुल्ली को शॉन की टोपी दिखाई देती है। गुल्ली रॉड, बुल्ली और बाबा को बुलाता है। बाबा ने कहा, शॉन की टोपी यहाँ है लेकिन शॉन यहाँ नहीं है, मतलब जरूर शॉन को कोई पकड़ के ले गया है। रॉड, गुल्ली और बुल्ली ये सुन के बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें जल्द से जल्द शॉन को ढूंढना होगा। गुल्ली ने कहा, चलो बाबा ड्रैगन पे बैठ के शॉन को ढूंढते हैं, ऊपर से सब अच्छे से दिखेगा। बाबा ने कहा, ठीक है। बाबा ड्रैगन को उठाते हैं। बाबा ने कहा, शॉन को कोई पकड़ के ले गया है, हमें जल्द से जल्द शॉन को ढूंढना होगा। ड्रैगन ने कहा, ठीक है बाबा, आप लोग मुझ पे बैठ जाओ। रॉड, गुल्ली बुल्ली और बाबा ड्रैगन पे बैठ जाते हैं। ड्रैगन उड़ने लगता है। रॉड, गुल्ली बुल्ली और बाबा शॉन को ढूंढ रहे थे। तभी गुल्ली को नीचे एक अंकल दिखते हैं। गुल्ली ने कहा, वो देखो बाबा, नीचे एक अंकल है, हमें उनसे पूछना चाहिए अगर उन्होंने शॉन को कहीं देखा हो। बाबा ने कहा, ठीक है। बाबा ड्रैगन को नीचे उतरने को कहते हैं। ड्रैगन नीचे उतरता है। रॉड, गुल्ली बुल्ली और बाबा अंकल के पास जाते हैं। बाबा ने उस अंकल से कहा कि हम यहाँ पास के गांव में एक घर के अंदर सो रहे थे, हमारे साथ एक शॉन नाम का लड़का भी था, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि शॉन वहाँ पर नहीं था। जब हम लोग शॉन को ढूंढ रहे थे तब हमें एक पुरानी हवेली में शॉन की टोपी मिली, हमें लगता है कि जरूर शॉन को कोई पकड़ के ले गया है। अंकल ने कहा कि आप लोगों ने उस गांव में जाके बहुत बड़ी गलती कर दी है, उस गांव में मम्मी रहती है, उस गांव में एक भी आदमी नहीं रहता, क्योंकि मम्मी ने उस गांव के सारे लोगों को मार दिया है।
है। जरूर तुम्हारे दोस्त शॉन को भी मम्मी उठा के ले गई होगी। ये सुनकर रॉर, गुल्ली, बुल्ली और बाबा के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने अंकल से पूछा कि क्या आप हमें बता सकते हो मम्मी शॉन को कहाँ ले गई होगी। अंकल ने कहा मम्मी शॉन को पिरामिड में ले गई होगी। रॉर ने कहा चलो बाबा जल्दी से पिरामिड में चल के शॉन को बचा लेते हैं। अंकल ने कहा उस पिरामिड में पहुंचना आसान नहीं है, वो पिरामिड बहुत खतरनाक है। उस पिरामिड में कुछ ऐसा है जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उस पिरामिड से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। तुम्हारा दोस्त शॉन अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर तुम लोग शॉन को बचाने गए तो तुम लोगों की भी जान जा सकती है। बाबा ने अंकल से कहा कि चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं शॉन को बचा कर ही रहूंगा, आप मुझे वहाँ जाने का रास्ता बताओ। अंकल ने कहा मैं तुम लोगों को एक किताब देता हूँ, उस किताब में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। अंकल बाबा को एक किताब देते हैं। अंकल ने कहा इस किताब को पढ़ने के बाद आप लोगों को शॉन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। रॉड, गुल्ली, बुल्ली और बाबा उस किताब को पढ़ते हैं। किताब पढ़ के उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा बाबा शॉन तक पहुंचने का रास्ता सच में बहुत खतरनाक है। रॉड ने कहा हाँ बाबा, अब शॉन को बचाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, क्या रॉड, गुल्ली, बुल्ली और बाबा शॉन को उस पिरामिड से बाहर निकाल पाएंगे? उस पिरामिड में ऐसी कौन सी खतरनाक चीज है, ये सब हम देखेंगे गुल्ली, बुल्ली और मम्मी पार्ट 2 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।